वेलकम बैक टू माय चैनल एंड होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ए फेस्टिव डे इन माय लाइफ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम एंड दिस ब्लॉग इज फ्रॉम बाहुडा रथ यात्रा सेलिब्रेशन, हाउ वी सेलिब्रेटेड रथ यात्रा दिस ईयर हियर इन USA। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए प्रसाद का थाली तैयार कर रही हूँ और ये मैं बनाई हूँ मिल्क केक यानी कलाकंद। बहुत ही इजी है बनाना। आई विल शेयर दिस रेसिपी इन दिस वीडियो, सो कीप वाचिंग। रथ यात्रा उड़ीसा का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ये लॉर्ड जगन्नाथ जो कि लॉर्ड विष्णु एंड कृष्णा का अवतार है उनके लिए मनाया जाता है। और उड़ीसा का पुरी में जो रथ यात्रा होता है वो वर्ल्ड फेमस है। पुरी जो 4 धाम में से एक धाम है वो उड़ीसा में है। और इस दिन क्या होता है ना, लॉर्ड जगन्नाथ उनके बड़े भाई प्रभु बलभद्र जी एंड उनकी छोटी बहन माँ सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर निकल के रथ में सवार होकर अपने मौसी के घर जाते हैं। तो इस फेस्टिवल को हम बोलते हैं रथ यात्रा। और फिर आफ्टर 8 डेज जब वो वापस आते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाहुड़ा रथ यात्रा। तो ऐसे ही उड़ीसा में बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल। और अभी तो ये रथ यात्रा वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट होता है, यहाँ USA में भी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट होता है। एवरी ईयर हम टेम्पल जाते हैं बट दिस ईयर सिचुएशन अलग है तो बस घर में ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये केलिन किया ना फ्लावर भी पिक करके ले आए तो उन दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है ये सब। मतलब कोई इंडिया फेस्टिवल आ रहा है वो तो बहुत ही खुश एक्साइटेड रहते हैं। तो मैं भी ट्राई करती हूँ जितना पॉसिबल होता है और मुझे जितना आता है उस हिसाब से सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि उन लोगों को भी इंडिया फेस्टिवल सब कुछ ये सब के बारे में पता चले। तो बस अभी मेरे पूजा का सब कुछ रेडी है तो मैं अभी थोड़ा पूजा कर लूँगी। ओके मुड़िया मारो बहुत। गुड जॉब, गेट अमा नमः नमः। तो जो मैं मिल्क केक बनाई उसका रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ रिकोटा चीज़, ये 425 ग्राम्स का है। और यहाँ पे ली हूँ कंडेंस मिल्क, ये 400 ग्राम्स का है। दोनों को माइक्रोवेव से बाउल में मैं ऐड की हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करके हम माइक्रोवेव में कुक करेंगे टोटल 15 to 20 मिनट्स। बट हमको इसे एवरी 5 मिनट्स निकाल के उसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं पहले उसको बिना कवर किए 5 मिनट्स कुक कर ली और अभी देख सकते हैं ये ऐसा टेक्सचर का हो गया। और अभी हम उसको कवर करके अनदर 5 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद उसको निकाल के अगेन उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि वो नीचे नहीं चिपक जाए। और फिर अभी हम उसको क्रॉस कवर करके अनदर 5 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद इसे हम बिना कवर किए ऐसे ही 2 to 5 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर माइक्रोवेव टेम्परेचर हम इसे ऐसे कुक करेंगे। और मुझे ये लगा 20 मिनट्स टोटल ये करने में। और ये आप देख सकते हैं एंड में पूरा ऐसे ग्रेनी जैसा हो गया है, अच्छे से ब्राउन दिख रहा है। और अभी हम इसमें इलायची ऐड करके उसको अच्छे से थोड़ा 5 to 10 मिनट्स को कूल डाउन होने देंगे। और उसके बाद हम उसको अच्छे से टैप करके उसके ऊपर पिस्ताचियो एंड आलमंड ऐड कर देंगे। और आप अभी भी उसको कट करके खा सकते हैं, या मैं प्रीफर करती हूँ फ्रिज में एटलीस्ट 2 to 4 आवर रख के फ्रिज कट करने के लिए। और अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक बन जाता है। इजी रेसिपी है, सो डू ट्राई एंड लेट मी नो इफ यू लाइक और नॉट। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ मेदू वड़ा और टमाटर की चटनी। इंडिया में होते थे तो मतलब तो घर में बहुत सारा यम्मी खाना, सुई, सब कुछ ऐसा सब कुछ बनता है फेस्टिवल टाइम में। और तो यहाँ पे भी मैं ट्राई करती हूँ, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा याद दिलाती है कि वो फेस्टिवल आ रहा है, कल ये है, कल वो है, तुम थोड़ा बना लेना ये वो करके। तो बस, और हम दोनों को भी अच्छा लगता है बड़ा, और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सोची कि आज मैं मेदू बड़ा बनाती हूँ। You can drink it slowly, okay? Don't open it, just little. और आज वीकडेज है तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है और मॉर्निंग टाइम में उनका बहुत सारे मीटिंग ये वो चलता रहता है, तो थोड़ा बिजी रहते हैं। अभी उनको थोड़ा टाइम मिला तो अभी हम एक साथ ब्रेकफास्ट कर लेंगे। और ये दही बड़े बनाने के लिए मैं बाकी बड़े को भी फ्राई करके यहाँ पे वाटर में भिगो के रख दी हूँ। और दही बड़े बनाने का रेसिपी है मेरे चैनल में पहले से, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इफ यू वांट टू चेक हाउ टू मेक सॉफ्ट दही बड़ा। और यहाँ पे ये दही में बनाई हूँ, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ, बाहर का मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये दही बन गया है। स्टोर वाला थोड़ा स्टिकी जैसा रहता है तो मुझे इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ कभी कभी बच्चों का जो फ्लेवर वाला रहता है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वो सब किड्स योगर्ट वो स्टोर से लाते हैं, उनको खाने में वो अच्छा लगता है। तो नहीं तो जैसे कि प्लेन योगर्ट हो गया वो मैं घर में ही बनाती हूँ हमेशा। और ये लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ डालमा, तो उसके लिए जो भी सब्जी मेरे पास था वो मैं ली हूँ, जैसे कि कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीन्स, लौकी, एगप्लांट, टमाटो एंड पटेटो। तो ये सारी सब्जी को मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ, उसमें मैं 1 कप तुअर दाल ली हूँ और बस सॉल्ट एंड थोड़ी सी टर्मरिक ऐड करके उसको 2 से 3 व्हिसल आने तक कुक करना है और बाद में हम उसमें तड़का ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी, तो उसके लिए मैं पैन में ऑयल ऐड की हूँ और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी जीरा एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा दिखता है। और फिर उसमें मैं ऐड कर रही हूँ पेस्ट जो कि मैं बनाई थी, 1 टमाटर, थोड़ी सी जिंजर एंड 4 to 5 केश्यू। सेम पैन में ही मैं थोड़ी सी ऑयल ऐड करके उसको फ्राई कर ली थी और फिर उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना रही हूँ, तो वही ऐड की हूँ। और उसके बाद ये थोड़ी सी टर्मरिक एंड गरम मसाला पाउडर वो ऐड करके मसाला को अच्छे से 5 to 7 मिनट कुक करना है। वहाँ से अच्छे से कुक हो जाएगा, यानी कि जब थोड़ा ऑयल ऊपर से दिखने लगेगा फिर हम उसमें ऐड कर देंगे पनीर। और यहाँ पे मैं फ्रोजन पीस ली हूँ, तो इसीलिए अभी मैं पनीर के साथ ही ये पीस ऐड करते रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ी देर बाद ऐड कर सकते हैं। और फिर उसमें वाटर ऐड करके हम अनदर 4 to 5 मिनट उसको थोड़ा कुक होने देंगे। और अभी ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है अच्छे से, तो आप जैसे चाहिए उस हिसाब से आप अपना वाटर का कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। और एट द एंड मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा गरम मसाला पाउडर, जो कि मैं सिनेमन, इलायची एंड लौंग, उसको मैं कूट करके यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स। और बस ये हमारा बन गया मटर पनीर की सब्जी। डालमा भी सारी सब्जी अच्छे से कुक हो गया है, तो बस उसमें तड़का लगाना बाकी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, मतलब कोई फेस्टिवल रहे और खीर ना बने तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो ये बस राइस का खीर बना रही हूँ। और उसमें ऐड कर रही हूँ ढेर सारा किशमिश एंड कैश्यू, क्योंकि क्यानों को किशमिश खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे अभी और काफ़ी देर बॉयल होने देना है, जब तक कि वो अच्छे से ठीक ना हो जाए। और ये दलमा में तड़का ऐड करने के लिए मैं ली हूँ थोड़ी सी ऑयल, उसमें ऐड कर रही हूँ 1 dry red chili एंड थोड़ी सी जीरा, सरसों एंड फनेल सीड एंड करी लीव्स। तो बस ये मेरा लंच रेडी हो गया। यहाँ पे ये दालमा, फिर ये मटर पनीर की सब्जी, राइस खीर एंड राइस। और अभी मेरे हस्बैंड का थोड़ा ऑफिस का काम चल रहा है, तो पहले मैं बच्चों को दे दूंगी, फिर बाद में हम दोनों खा लेंगे। और बस अभी हम थोड़ा बाहर वॉक करने के लिए निकले हैं। अभी अराउंड 6:37 हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना सनी है। अभी अराउंड 9 सनसेट होता है समर टाइम में यहाँ पे। और ये कम्युनिटी के अंदर ही घर के पीछे यहाँ से एक रिवर दिखता है, तो केलिन कियाना को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो हर दिन 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे आके देखते हैं, एंजॉय करते हैं। ये रिवर हमारे कम्युनिटी से वॉकिंग डिस्टेंस में ही है, तो पहले मतलब वीक में 1-2 बार जैसे ही वो लोग जाते थे। लेकिन अभी बहुत दिन हो गया तो गए नहीं, तो बस यहाँ से ही एंजॉय कर लेते हैं। और अभी तो ऑलमोस्ट मोर देन 3 मंथ्स होगा हम लोग कहीं नहीं गए घर से, नॉट इवन टू द स्टोर और एनीथिंग, बस ग्रोसरी सब कुछ ऑनलाइन ही ऑर्डर कर रहे हैं। This is all for today's video, whole day cooking, eating and a day well spent with family. So hopefully आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। Thanks for watching and see you in my next video. Till then, bye bye.